बहुत खूबसूरत गजल इन्होंने अपनी सुनाई। और अब हमारे साथ जुड़ चुकी हैं आदरणीय रमा भाटी जी, और स्वागत है आदरणीय रमा जी, सुप्रभात। और मैं भावना जी से अनुरोध करूंगी कि रमा जी का परिचय दें जरा सभी दर्शकों को और हमें। स्वागत करते हैं रमा भाटी जी का। आप स्वतंत्र लेखिका हैं, आपकी कहानियां, लेख, कविताएं पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं, अथवा काव्य साधारण साझा पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है। आपका बहुत बहुत स्वागत है रमा जी। आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है आदरणीय रमा हाँ जी? जी, आप, हाँ जी, मेरे पास पहुंच रही आपकी आवाज। नमस्कार। नमस्कार। आप दो आईडी से जुड़ी हैं क्या? जी, अब ठीक है, अब ठीक है। आपका माइक म्यूट हो गया है आदरणीय, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी नहीं, अभी नहीं हुआ। अब ठीक है मैम। हाँ जी, अब आपकी आवाज आ रही है। आप कृपया मैम ना कहें, आप मेरा नाम विनय लेकर मुझे सीधा हाँ बुला जी, सकते हैं। हाँ विनय जी, गुड मॉर्निंग आपको, सुप्रभात। और भावना सुप्रभात, जी आपको भी सुप्रभात, गुड मॉर्निंग शुक्रिया। जी। बहुत, हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, एकदम बिल्कुल आ रही। स्पष्ट। हाँ नमस्कार, मैं इस जी गरिमामय मंच को मेरा सादर नमन करती हूँ। माँ शारदा को सादर प्रणाम करते हुए आप सभी साहित्यकारों को मेरा सप्रेम नमस्कार। जी स्वागत। मैं आज अपनी पहली रचना उन वीर जवानों को समर्पित करती हूँ जो हमारे पूरे देश की रक्षा के लिए सरहदों पर डटे रहते हैं। उन्हें दिल से मैं अपना सलाम भेजती हूँ। जी मेरी स्वागत, शीर्षक पहली रचना का शीर्षक है वीर जवान। स्वागत। मेरे देश के रखवालों को, मेरे देश के रखवालों को, मेरे देश के पहरेदारों को, सरहद पर खड़े जवानों को, वतन पर मिटने वालों को, तुम्हें दिल से मेरा सलाम, तुम्हें दिल से मेरा सलाम। मेरे देश के रखवालों को, मेरे देश के पहरेदारों को, सरहद पर खड़े जवानों को, वतन पर मिटने वालों को, तुम्हें दिल से मेरा सलाम। तपती गर्मी या कड़ाके की हो सर्दी, तपती गर्मी या कड़ाके की हो सर्दी, वर्दी पहने वो डटे रहे सरहदों पर। फिर चाहे जो भी हो अंजाम, जब देश की सेवा के लिए जाते, घर बार सब छोड़ के आते, घर बार सब छोड़ के आते। जब जब दुश्मन ने ललकारा, जब जब दुश्मन ने ललकारा हमारे वीर जवानों को, तब तब दांत खट्टे किए दुश्मन के हमारे वीर जवानों ने, तब तब दांत खट्टे किए दुश्मन के हमारे वीर जवानों ने। अपने देश का झंडा ऊंचा रखा, अपने देश का झंडा ऊंचा रखा अपने त्याग और बलिदानों से। देश का हर जवान, देश का हर जवान हमारा, देश की शान है वो, देश की आन है, देश का अभिमान है वो। देश का हर जवान हमारा, देश की शान है, देश की आन है, देश का अभिमान है वो। माँ हो या पिता, माँ हो या पिता, बहन हो या बेटी, सबकी जुबान पर बस एक ही शब्द है, सच्चा वीर देशभक्त है वो, सच्चा देश वीर भक्त है वो, तुम्हें दिल से मेरा सलाम, तुम्हें दिल से मेरा सलाम। बहुत बहुत प्यारी रचना। यकीनन देश के प्रहरी अगर सीमा पर हैं तो हम आराम से सो पाते हैं, हम चैन की नींद ले पाते हैं, अपने घरों हाँ में जी, शांति से रह पाते हैं, क्योंकि हम निश्चिंत हैं कि हमारे प्रहरी वहां पर सजग हैं, मौजूद हैं। हाँ जी, और आदरणीय धन्यवाद मैम। अमित जी आपको प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं, आदरणीय रमा जी को प्रणाम एवं स्वागत। अर्चना झा जी कह रही हैं बहुत खूबसूरत प्रस्तुति आपकी, धन्यवाद आप शुक्रिया। सभी का, अर्चना जी, अमित जी। और नीलेश पाटिल जी जुड़े हैं, जय जवान वाह। और सुधा सरना जी जुड़ी हुई हैं और आपकी रचना की तारीफें कर रही हैं। और शुक्रिया सुधा अर्चना जी, जी, आपका अभिषेक जी, संचालन भी अच्छा लग रहा है। सबको मेरा नमस्कार। सुधा जी, अभिषेक जी, नमस्कार, धन्यवाद। अब देखिए मैं रमा अपनी जी, अगली हाँ जी बोलो। कितनी खूबसूरत बात है कि हम इतनी रात को कहें या बिल्कुल एकदम भोर भोर का समय कहें, और देखिए आपको सुनने के लिए आपके प्रशंसक इस वक्त भी आपसे जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जी धन्यवाद आपका। मैं अपनी अगली रचना पेश कर रही हूँ माँ के ऊपर।
जी माँ एक स्वागत। शब्द, माँ एक शब्द नहीं है, वो सिर्फ एहसास है। मेरा शीर्षक है माँ से अटूट रिश्ता। एक माँ जी ही है जिससे हमारा बहुत गहरा रिश्ता होता है। यकीनन यकीनन रब के बाद कोई नाम है तो तू है माँ। रब के बाद कोई नाम है तो तू है माँ। माँ ने ही मुझे रचा, कष्टों में रहकर हंसते हुए माँ ने ही मुझे पाला। रब के बाद कोई नाम है तो तू है माँ। माँ ने ही मुझे रचा, कष्टों में रहकर हंसते हुए माँ ने ही मुझे पाला। मेरी हर सांस को सुना, मेरी हर सांस को सुना। माँ कोई शब्द नहीं, माँ कोई शब्द नहीं, प्यारा एहसास है जिसे महसूस करते हैं माँ। खुद भूखी रहकर भी मुझे सदा खिलाया, खुद भूखी रहकर भी मुझे सदा खिलाया। खुद गीले में सोकर मुझे सूखे में सुलाया। सुलाती हुई थपकी देती है, हर थपकी में दुआ देती है माँ। सुलाती हुई थपकी देती है, हर थपकी में दुआ देती है माँ। जी क्या बात। तू है तो मुझे डर काहे का माँ, तू है तो मुझे डर काहे का माँ। धूप मुझे सताती नहीं, छाँव बनकर तू आंचल अपना उड़ाती है। धूप मुझे सताती नहीं, छाँव बनकर तू आंचल अपना उड़ाती है। आप धूप सहकर भी ठंडी हवा का एहसास कराती है माँ। रोती हूँ तो प्यार करती है, रोती हूँ तो प्यार करती है। गिरने लगती हूँ तो दौड़ के थाम लेती है। सीने से लगा ममता लुटाती है माँ, सीने से लगा ममता लुटाती है माँ। जी माँ वो तुम्हारा सहजता भरा प्यार, माँ वो तुम्हारा सहजता भरा प्यार, तुम्हारे प्यार को क्या नाम दूँ। माँ वो तुम्हारा सहजता भरा प्यार, तुम्हारे प्यार को क्या नाम दूँ। वो तुम्हारा प्यार से खाना बनाना, वो तुम्हारा प्यार से खाना बनाना, फिर मनुहार से खिलाना। वो तुम्हारा झूठा गुस्सा करना, तुम्हारा डांटना डपटना, फिर खुद ही मेरी अलाएं बलाएं लेना माँ, फिर खुद ही मेरी अलाएं बलाएं लेना माँ। क्या भुला पाऊंगी माँ की ममता को, क्या भुला पाऊंगी माँ की ममता को, जिसने मुझे जन्म दिया। छुपाकर अपने गमों को ममता लुटाती रही माँ। क्या भुला पाऊंगी माँ की ममता को, जिसने मुझे जन्म दिया। छुपाकर अपने गमों को ममता लुटाती रही माँ। तुम्हारा मेरा ये अटूट रिश्ता, तुम्हारा मेरा ये अटूट रिश्ता, जिसे कभी न भूल पाऊंगी माँ, जिसे कभी न भूल पाऊंगी माँ, मेरी प्यारी माँ। बहुत प्यारी रचना, बहुत प्यारी रचना। देखिए मंजू श्रीवास्तव जी जुड़ चुकी हैं हमसे, मनुहार से खिलाना सही कहा, और दिव्या मान भाटी जी जुड़ चुकी हैं, आप विजेत्री भाटी जी जुड़ चुकी हैं, गुलशन कुमार जी कह रहे, मुनव्वर राणा जी याद आ गए, बहुत उम्दा, नीलेश पाटिल जी निरंतर जुड़े हुए हैं, और सभी आपकी को मेरा रोशनी बहुत बहुत धन्यवाद, दिव्य को, विजेत्री जी को, सभी को। बहुत प्यारी रचना, आदरणीय रमा जी धन्यवाद विनय जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। शुक्रिया। अब मैं अपनी अगली रचना पेश कर रही हूँ। हल्की फुल्की सी रचना है, उसका शीर्षक है ख्वाब। ख्वाब तो हम सभी देखते हैं, ख्वाब तो हम सभी यकीन देखते हैं, और अलग अलग अपने हर एक जी का अलग अलग ख्वाब देखने का होता है। तो उस पे मेरी रचना है जिसका शीर्षक है ख्वाब। ख्वाब तो बहुत देखे हमने, ख्वाब तो बहुत देखे हमने, जब पूरे होते हैं ख्वाब। ख्वाब तो बहुत देखे हमने, जब पूरे होते हैं ख्वाब, मन झूम सा उठता है। गर पूरे ना हुए ख्वाब तो दिल टूट सा जाता है। ख्वाब तो हमने बहुत देखे, जब पूरे होते हैं ख्वाब, मन झूम सा उठता है। गर पूरे ना हुए ख्वाब तो दिल टूट सा जाता है। ख्वाबों में रोज आते हो तुम, ख्वाबों में रोज आते हो तुम, जब टूटते हैं ख्वाब तो ना जाने कहाँ चले जाते हो तुम। ख्वाबों में रोज आते हो तुम, जब टूटते हैं ख्वाब ना जाने कहाँ चले जाते हो तुम। एहसास खुशी का भर जाते हो, एहसास खुशी का भर जाते हो। ख्वाबों में आते रहा करो तुम, ख्वाबों में आते रहा करो तुम, जीने की आशा जगाते रहा करो। खामोशियों को तोड़कर अल्फाजों को कह जाया करो तुम, खामोशियों को तोड़कर अल्फाजों को कह जाया करो तुम। ख्वाबों में ही मुस्कुरा लेते हैं, ख्वाबों में ही मुस्कुरा लेते हैं, आंखों में देख प्यार तुम्हारा।
ख्वाबों में ही मुस्कुरा लेते हैं, आंखों में देख प्यार तुम्हारा, उन्हीं में डूब जाने का एक और खूबसूरत गुनाह कर लेते हैं, उन्हीं में डूब जाने का एक और खूबसूरत गुनाह कर लेते हैं। क्या बात है, क्या बात। धन्यवाद मैम, धन्यवाद विनय जी। अब मैं आप अपने मुझे सिर्फ विनय कहिए, अच्छा लगेगा। आप अच्छा बड़ी ही फोन लिख, हाँ नौजवानियां जी हाँ जी विनय जी, धन्यवाद। अब मैं अपना अगली रचना पेश करना चाहूंगी, जी, जिसका शीर्षक स्वागत। है कोख में पलती बेटी भ्रूण। ये तो आप पता है सभी समाज में, अगर बेटी है अपने कोख में तो आज भी ऐसे कई संकीर्ण विचारों वाले हैं जो अंदर ही उसकी हत्या कर देते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन मैं जो रचना लाई हूं उसमें ये सोचते हुए भ्रूण जो है बेटी, वो माँ की कोख में अपनी चाहत क्या प्रकट कर रही है, वो भी इस दुनिया में आना चाहती है, उसके ऊपर मेरी रचना है। जी स्वागत। मुझे थैंक यू, मुझे जन्म दोगी ना माँ, मुझे जन्म दोगी ना माँ, पाल रही हो अपनी कोख में, मुझे जन्म दोगी ना माँ, पाल रही हो अपनी कोख में, घूम रही हूँ धीरे धीरे तुम्हारी कोख में, रोज सहलाती हो प्यार से मुझे, जब मारती हूँ मैं अपना घुटना तुम्हारे पेट में। मुझे जन्म दोगी ना माँ, पाल रही हो अपनी कोख में, घूम रही हूँ धीरे धीरे तुम्हारी कोख में, रोज सहलाती हो प्यार से मुझे, जब मारती हूँ अपना घुटना तुम्हारे पेट में, महसूस करती हूँ तब तुम्हारी खुशी, महसूस करती हूँ तब तुम्हारी खुशी और प्यारा एहसास माँ। अभी नहीं देख पाती तुम्हारा प्यारा चेहरा, अभी नहीं देख पाती तुम्हारा प्यारा चेहरा, मैं चुप हूँ अभी माँ, क्योंकि बहुत सुरक्षित हूँ तुम्हारी कोख में, क्योंकि बहुत सुरक्षित हूँ तुम्हारी कोख में, मुझे जन्म तो दोगी ना माँ, मुझे जन्म तो दोगी ना माँ, समाज के डर से मुझे अंदर ही तो ना मार डालोगी माँ, समाज के डर से मुझे अंदर ही तो ना मार डालोगी माँ, क्योंकि मैं भी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी जीना चाहती हूँ तुम्हारे आंचल तले, प्यार पाना चाहती हूँ मैं, मुझे अंदर ही तो ना मार डालोगी माँ, क्योंकि मैं भी जीना चाहती हूँ तुम्हारे आंचल तले, प्यार पाना चाहती हूँ, अपने पिता और भाई से मिलना चाहती हूँ माँ। क्या बात है, क्या बात है। देखना, धन्यवाद, देखना बड़ी होकर बनूंगी तेरा सहारा, देखना बड़ी होकर बनूंगी तेरा सहारा, बोझ ना बनूंगी कभी, बोझ ना बनूंगी कभी, हाथ बटाऊंगी तुम्हारा, देखना बड़ी होकर बनूंगी तेरा सहारा, बोझ ना बनूंगी कभी, हाथ बटाऊंगी तुम्हारा, कभी सहेली, कभी सहेली तो कभी प्यारी बेटी बन जाऊंगी माँ, क्या कभी बात है, सहेली तो कभी प्यारी बेटी बन जाऊंगी माँ, एक बार बाहर आने तो दे, एक बार बाहर आने तो दे माँ, अपने गले लगा लेना, अपने गले लगा लेना माँ, मुझे जन्म तो दोगी ना माँ, मुझे जन्म तो दोगी ना माँ। धन्यवाद, क्या बात। देखिए, आपके लिए निरंतर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कि विजेत्री भाटी जी कह रही थी मार्मिक रचना, गुलशन कुमार कह रही है सबसे अलग शीर्षक लिया आपने, दिल भर आया। मंजू श्रीवास्तव जी धन्यवाद कह रही है गुलशन जी का, विजेत्री महत्वपूर्ण जी का। रचना, और यकीनन आपकी रचना ने बहुत संजीदा कर दिया और सोचने पर विवश कर दिया एकदम से। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सही और कह रहे भावना हैं। जी तो तालियां बजा रही हैं आपकी रचना पर। ओह धन्यवाद भावना जी, आपका बहुत बहुत। अब मैं एक फिर थोड़ी हल्की सी लेती हूँ अपनी कविता, जी जिसका शीर्षक है चांदनी। जी चांद और चांदनी तो एक ऐसी चीज है कि सभी को बहुत अच्छे लगते हैं रात के समय में, और सब, बिल्कुल। तो मैं अपनी रचना पेश कर रही हूँ जिसका शीर्षक है चांदनी। जी नीले नीले आसमां पर, नीले नीले आसमां पर शाम का गहराना, नीले नीले आसमां पर शाम का गहराना, बादलों की ओर से चांद का मुस्काना, नीले नीले आसमां पर शाम का गहराना, बादलों की ओट से चांद का मुस्काना, वे तारों का टिमटिमाना, वे तारों का टिमटिमाना, खेलने लगे जैसे आँख मिचोली, वे तारों का टिमटिमाना
खेलने लगे जैसे आंख मिचोली, होने लगी निशा भी गहरी, होने लगी निशा भी गहरी, चांदनी ने फैला दी अपनी चांदनी, चांदनी ने फैला दी अपनी चांदनी। लगा लगा ऐसे जैसे हो दोनों में गहरी दोस्ती, लगा ऐसे जैसे हो दोनों में गहरी दोस्ती, प्रकृति है कितनी सुंदर जैसे ख्वाबों से हो दोस्ती, प्रकृति है कितनी सुंदर जैसे ख्वाबों से है दोस्ती। वह चांद का गाना, वह चांद का गाना अपनी चांदनी को बिखेरना, वह चांद का गाना अपनी चांदनी को बिखेरना, वो निशा का झूमना लगे कितना प्यारा, वो निशा का झूमना लगे कितना प्यारा। जा छिपा तू बादलों में, देखिए अब चांद को, जा छिपा तू बादलों में, निकला तो जैसे दूज का चांद, जा छिपा तू बादलों में, निकला तो जैसे दूज का चांद। कितना खूबसूरत है तू, कितना खूबसूरत है तू जैसे चौदहवीं का चांद, क्या कितना बात है, खूबसूरत है तू जैसे हो चौदहवीं का चांद। प्रेम विभोर सा मन, प्रेम विभोर सा मन करता है समेट लूं सारा आसमां अपनी बाहों में, प्रेम विभोर सा मन करता है समेट लूं सारा आसमां अपनी बाहों में, भूल जाऊं सब गमों में, भूल जाऊं सब गमों को नहा लूं चांदनी में, क्या बात है। भूल जाऊं सब गमों को नहा लूं चांदनी में, पाकर सब खुशियां खो जाऊं दूसरे जहां में, खो जाऊं दूसरे जहां में। क्या बात धन्यवाद है, मैम, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। अब मैं अपनी अगली रचना पेश कर रही हूं, जिसका जी शीर्षक है कहाँ कहाँ गए वो दिन। वैसे भी हर समय तो एक से दिन रहते नहीं है, जी तो उसी बिल्कुल, पर एक रचना है। आज सुख है तो कल दुख है, आज रिश्ते अच्छे हैं तो कल रिश्ते ठीक नहीं है, बस और उसी पर पिछले 1.5 पौने 2 साल ने तो बहुत ही वक्त ऐसा बदल दिया बहुत कि ज्यादा हर बिल्कुल हर बात पर याद आता है कि कहाँ गए वो दिन, कहाँ गए वो दिन। सही बात है, वो याद आती है। और पिछले जमाने की भी कुछ से कुछ साल पहले से, तो जी बस उसी पे एक रचना पेश कर रही हूँ। जी कहाँ गए स्वागत। वो दिन, कभी खिलते थे चेहरे गुलाबों की तरह, कभी खिलते थे चेहरे गुलाबों की तरह, जाने कहाँ गए वो दिन, अब तो मुस्कुराना भी भूल गए जनाब। कभी खिलते थे चेहरे गुलाबों की तरह, जाने कहाँ गए वो दिन, अब तो मुस्कुराना भी भूल गए जनाब। पहले तो चेहरे पढ़कर ही दिल का हाल जान लेते थे लोग, पहले तो चेहरे पढ़कर ही दिल का हाल जान लेते थे लोग, अब तो चेहरों पर भी मुखौटे ओढ़ लेते हैं जनाब, अब क्या तो बात, क्या चेहरों बात, पर भी मुखौटे ओढ़ लेते हैं जनाब। गले मिलते ही यार जान जाते थे दिल का हाल, गले मिलते ही यार जान जाते थे दिल का हाल, अब तो दिखावे में ही भावनाएं खो गई जनाब, अब तो दिखावे में ही भावनाएं खो गई जनाब। बिल्कुल। पहले खतों की खुशबू से समझ जाते थे जज्बात, पहले खतों की खुशबू से समझ जाते थे जज्बात, अब तो व्हाट्सएप और फेसबुक ने ही जगह ले ली खतों की जनाब। क्या अब बात तो है, बच्चे भी किसी समस्या का हल पूछना भी कहाँ समझते हैं जरूरी, अब तो बच्चे भी किसी समस्या का हल पूछना भी कहाँ समझते हैं जरूरी, ना दुख दर्द बांटते हैं भाई बहन, ना दुख दर्द बांटते हैं भाई बहन, तो किसी की याद में आंसू भी नहीं आते जनाब, अब तो क्या किसी की बात, याद में आंसू भी नहीं आते जनाब। अब ना रही वो लोरियां, अब ना रही वो लोरियां, ना परियों की बातें, अब ना रही वो लोरियां ना परियों की बातें, जिन्हें माँ से सुन सोया करते थे बच्चे, जिन्हें माँ से सुन सोया करते थे बच्चे, अब तो गुरु शिष्य में आदर भी कहाँ रहा जनाब। बहुत संबंधों को बार जोड़ना, धन्यवाद मैम, धन्यवाद। संबंधों को जोड़ना भी कला है, जाने कहाँ गए वो प्यारे रिश्ते, संबंधों को जोड़ना भी कला है, जाने कहाँ गए वो प्यारे रिश्ते, और ना जाने हम कहाँ, और ना जाने हम कहाँ, ना जाने कब भरेंगे जिंदगी में प्यार के रंग जनाब, ना जाने कब भरेंगे जिंदगी में प्यार के रंग जनाब। क्या बात, सच में बहुत बहुत सी
जाने कहाँ गए वो दिन। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी अगली रचना पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है आशियाना। जी स्वागत। जी, हर पति पत्नी अपना एक छोटा सा आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, जिसको अपने प्यार से सजाते हैं। उसके ऊपर फिर भी वो यादें बनकर रह जाती हैं कभी कभी, जी तो उस पे मैंने एक रचना लिखी है आशियाना। स्वागत है आदरणीय। कहाँ, हाँ जी धन्यवाद। कहाँ गई वो खुशियाँ, कहाँ गई वो खुशियाँ जिन्हें हम ढूंढते हैं, कहाँ गई वो यादें जिन्हें हम याद करते हैं। कहाँ गई वो खुशियाँ जिन्हें हम ढूंढते हैं, कहाँ गई वो यादें जिन्हें हम याद करते हैं। पहले तुम आते थे खुशियों को लेकर, पहले तुम आते थे खुशियों को लेकर, आज हम इंतजार करते हैं। याद है हमारा वो प्यारा छोटा सा आशियाना, याद है हमारा वो प्यारा छोटा सा आशियाना, जिसे सजाया था हमने बड़े प्यार से। याद है हमारा वो प्यारा छोटा सा आशियाना, जिसे सजाया था हमने बड़े प्यार से। छोटी सी बगिया जिनमें लगाए थे हमने रंग बिरंगे फूल, खुशबू से उनकी महकता था हमारा आशियाना, खुशबू से उनकी महकता था हमारा आशियाना। सजाया था दीवारों को, सजाया था दीवारों को अपनी मोहब्बत की प्यारी तस्वीरों से, सजाया था दीवारों को अपनी मोहब्बत की प्यारी तस्वीरों से। याद है वो नकाशीदार लकड़ी के फ्रेम में सजा वो आईना, याद है वो नकाशीदार लकड़ी के फ्रेम में सजा वो आईना, दीवारों के बीचों बीच लगा हुआ, दीवारों के बीचों बीच लगा हुआ, निहारा करते थे हम दोनों उसमें। भूली नहीं है अभी वो यादें, भूली नहीं है अभी वो यादें, जब मिलकर बनाई थी हमने, जब मिलकर बनाई थी हमने रंगोली दरवाजे के दोनों ओर, जब मिलकर बनाई थी रंगोली हमने दरवाजे के दोनों ओर, देखा करते थे हम, देखा करते थे हम। याद है वो बंधनवार अपने दरवाजे पर, याद है वो बंधनवार अपने दरवाजे पर, हवा चलते ही उसकी लड़ियों से संगीत में आवाज आती। याद है वो बंधनवार अपने दरवाजे पर, हवा चलते ही उसकी लड़ियों से संगीत में आवाज आती। आज भी सुनाई देती है वो आवाज दिल में सनम, आज भी वो आवाज सुनाई देती है दिल में सनम। आ भी जाइए अब, फिर से सजा लेंगे हम प्यारा सा अपना छोटा आशियाना, प्यारा सा अपना छोटा आशियाना। क्या बात, बहुत बहुत कुछ। क्या बात, म्यूट धन्यवाद, थैंक यू। सच में हर स्त्री का सपना होता है अपना आशियाना एक छोटा सा, हाँ और जी, हाँ जी, बहुत प्यारे भाव आपके रचना के। थैंक यू दीने जी, बहुत बहुत आपका आभार प्रकट करती हूँ दिल से। नहीं आदरणीय, आभार तो हम प्रकट करते हैं, आपको सुनने का अवसर हमें मिल रहा है और अलग अलग मूड की रचनाएं आप सुना रही हैं। हाँ, मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को पसंद आ रही हैं। बस जी अब एक छोटी सी मेरी रचना है जज्बात। जी हर एक इंसान के अपने अपने जज्बात होते हैं, कई लोग उनको कह पाते हैं, कई लोग नहीं कह पाते, वो दिल में ही रख लेते हैं। बस जी उसी पर एक छोटी सी रचना है मेरी। जी जज्बातों को ना रोकिए अपने, जज्बातों को ना रोकिए अपने, कह डालिए अपने प्यार को। जज्बातों को ना रोकिए अपने, कह डालिए अपने प्यार को, कभी कभी समय भी नहीं देता समय अपने जज्बात कहने को। जज्बातों को ना रोकिए अपने, कह डालिए अपने प्यार को, कभी कभी समय भी नहीं देता समय अपने जज्बात कहने को। आए हैं इस जहां में हम, आए हैं इस जहां में हम, तो करके ही कुछ जाएंगे, ना सहेंगे बंदिशें हम, ना झुकने देंगे कभी प्यार को। ना सहेंगे बंदिशें हम, ना झुकने देंगे कभी प्यार को। छू लेंगे बुलंदियों को हम, छू लेंगे उन बुलंदियों को हम, प्यार के उस शिखर पर चढ़कर। छू लेंगे उन बुलंदियों को हम, प्यार के उस शिखर पर चढ़कर, ना मायूस होने देंगे अपने दिल को, कह डालेंगे अपने जज्बात को, कह डालेंगे अपने जज्बात को। क्या बात है, चाहूंगी, धन्यवाद मैम,
चाहूंगी ना आए कभी कोई, चाहूंगी ना आए कभी कोई हमारे प्यार के दरमियां, सहेज कर रखूंगी दिल में अपने प्यार के जज्बातों को, अपने प्यार के जज्बातों को। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत एकदम तुरंत समझ में आने वाली भाषा है। कहीं कोई ऐसा नहीं कि जबरदस्ती शब्द ठूंसे गए हैं, सहज सरल प्रवाह में बहती हुई आपकी रचनाएं हैं एकदम से, इसीलिए वो बिल्कुल, सीधा दिल को छूती हैं। धन्यवाद। मैं बस ऐसे सिंपल ही तरीके से लिख पाती हूँ, ज्यादा जी गहराई में जाकर नहीं, बस शब्द ही थोड़े काम आ रहे हैं, जो दिल के भाव होते हैं उन्हीं को उकेर देती हूँ। अब कविता मैं होती ही अपने, तो वो जो एकदम से दिल से निकल कर आए, अगर उसे हाँ जी जबरदस्ती रचना पड़े तो वो शब्द शिल्प रह जाता है, वो कविता नहीं रह हाँ जाती जी है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं अब अपनी अगली रचना पेश कर रही हूँ। जी स्वागत है। कोरोना के दिनों में जो सबके ऊपर कहर बरपा है, वो बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही मतलब दिल को तकलीफ देने वाला था, और बिल्कुल सब परिवारों ने इसको सहा है, ज्यादातर सब परिवारों ने इसको सहा है। उस पे मैं अपनी एक रचना पेश कर रही ये हूँ। ऐसी पीड़ा रही है कि जिसको शायद जिससे शायद ही कोई बच पाया हो। बिल्कुल बिल्कुल मैम, सॉरी जी विनय जी। जी तो बस उसी पे मैंने अपनी कुछ लाइनें लिखी हैं, जो कि बहुत दिल को मतलब दुख भी होता है ऐसे लिखते हुए, लेकिन क्या करें। तो और मेरे हमारी शीर्षक का, पीड़ा ये है कि ऐसे करुण भाव पर भी हमें वाहवाही करनी पड़ती है, अगर बस बिल्कुल, वो ये और तकलीफदायक लगता है। वो तकलीफदायक होता है क्योंकि चित्रण हाँ इतना जी, खूबसूरत हो जाता है तो बहुत वाहवाही भी सोचे करनी तो, पड़ती है। हाँ बिल्कुल सोचे तो बहुत दिल में दर्द होता है। बस तो मेरी रचना का शीर्षक है कहर। जी स्वागत। कब खत्म होगा कहर का सिलसिला, कब खत्म होगा कहर का सिलसिला, कब तक रुसवाई होती रहेगी। कब खत्म होगा कहर का सिलसिला, कब तक रुसवाई होती रहेगी। अब नहीं सहा जाता ये मंजर, अब नहीं देखे जाते वो आंसू। कब तक खत्म होगा कहर का सिलसिला, कब तक रुसवाई होती रहेगी। अब नहीं सहा जाता ये मंजर, अब नहीं देखे जाते ये आंसू। दर्द है कि थमता ही नहीं, दर्द है कि थमता ही नहीं, सांसें हैं कि आती ही नहीं। दर्द है कि थमता ही नहीं, सांसें हैं कि आती ही नहीं, अब तो मोहलत भी नहीं मिलती सांसों को खरीदने तक की। अब तो मोहलत भी नहीं मिलती सांसों को खरीदने तक की। सांसें भी अटकी हुई, सांसें भी हैं अटकी हुई रहमो करम पर उसकी। सांसें भी हैं अटकी हुई रहमो करम पर उसकी। जाने कब मौत आ जाए, जाने कब मौत आ जाए, तलवार है सिर पर लटकी हुई। कहीं बेटा बैठा है माँ का शव लिए, कहीं बेटा बैठा है माँ का शव लिए, कहीं पिता बैठे हैं बेटे का शव लिए। बहुत तकलीफ होती है ये सोच के और बोलते समय भी। बहुत बहुत कहीं बेटा बैठा है माँ का शव लिए, कहीं पिता बैठे हैं बेटे का शव लिए। जमा पूंजी लुटाकर भी नहीं नसीब हो रहा शमशान भी, नहीं नसीब हो रहा शमशान भी। लील गया लाखों को ये कहर, लील गया लाखों को ये कहर भी, छिन गई घरों की अब रौनकें भी। लील गया लाखों को ये कहर भी, छिन गई घरों की अब रौनकें भी। सड़कें भी सूनी हो गई अब, सड़कें भी सूनी हो गई अब, बैठे हैं डरे हुए बंद घरों में सब। इस बेशकीमती जीवन को हमें बचाना होगा, लापरवाही छोड़ खुशियों को घर लाना होगा, लापरवाही छोड़ खुशियों को घर लाना होगा। बिल्कुल, मैं अब वही दिक्कत आती है ना कि ऐसी इतने नहीं मार्मिक चित्रण पर, इतने दारुण भाव पर कैसे वाहवाही भी करनी पड़ती है और दुख भी होता है। देखिए अमेरिका से बिल्कुल, राकेश खंडेलवाल जी जुड़े हुए हैं, आपको सुन रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि भोगा हुआ यथार्थ प्रश्नों में प्रस्फुटित हुआ और सांसों को खरीदने की। धन्यवाद आप राकेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हैं कि शब्द सुंदर हैं आपके।
मैंने वही कहा ना रमा जी कि सहज सरल भाषा जो है ना एकदम सीधा दिल पर प्रहार करती है, सीधा हाँ पहुंचती है जी वहां पर। बहुत बिल्कुल मैम, सुंदर सहज सरल रचना है आपकी। बहुत बहुत थैंक यू आपका विनय जी। फिर मेरे मुंह से मैम निकलने लगा था, मैंने अब मैं अपनी एक रचना पेश करने जा रही हूँ जी जिसका शीर्षक है औरत। जी औरत समाज में सब चाहते हैं, औरत से हर तरीका तरीके की अपेक्षाएं करते हैं, लेकिन उसको उतना मान नहीं मिलता जितना कि उसको मिलना चाहिए। जी मैं सुधा जी का, राकेश जी का, विजेती जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार प्रकट करती हूँ कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे निवारण सिंह हौसला जी भी अफजाई दे जुड़े रहे हैं, हैं। निवारण सिंह जी भी जुड़े हुए हैं और कह रहे हैं वाह वाह क्या निवारण बात सिंह जी, है ओ आपका भी जी। बहुत बहुत धन्यवाद निवारण सिंह जी। अब मैं अभिषेक अपनी कुमार अभी तक जुड़े हुए हैं सबका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। अब मैं जी अपनी रचना पेश कर रही हूँ औरत। जी स्वागत। महान है औरत, महान है औरत, घर की शान है औरत। महान है औरत, घर की शान है औरत, घर की आन है, पत्नी बन, माँ बन, बेटी बहन, मर्द का स्वाभिमान है औरत। महान है औरत, घर की शान है औरत, घर की आन है, पत्नी बन, माँ बन, बेटी बहन, मर्द का स्वाभिमान है औरत। अगर दुर्गा और लक्ष्मी है औरत, अगर दुर्गा और लक्ष्मी है औरत, तो ममता की मूरत भी है औरत। अगर दुर्गा और लक्ष्मी है औरत, तो ममता की मूरत भी है औरत। सहनशील है लेकिन कमजोर नहीं है औरत। हर रिश्ता प्यार से निभाती, हर रिश्ता प्यार से निभाती औरत, फिर भी अपनों से ही चली जाती है औरत। हर रिश्ता प्यार से निभाती है औरत, फिर भी अपनों से ही चली जाती है औरत। कभी दरिंदों के द्वारा असमत लुटवाती, कभी दरिंदों के द्वारा असमत लुटवाती, तो कभी अपनों ही से ही प्रताड़ित होती है औरत। कभी हंस कर तो कभी खामोशी से सहती है औरत। कभी हंस कर तो कभी खामोशी से सहती है औरत, लेकिन विद्रोह पर उतर आए तो कायनात बदल देती है औरत। लेकिन अगर विद्रोह पर उतर आए तो कायनात बदल देती है औरत। आज शिक्षित है, कोमल मन है, आज शिक्षित है, कोमल मन है, आंसू भी आए तो पी लेती है। कोमल मन है, आंसू भी आए तो पी लेती है, लेकिन हौसले बुलंद रखती है औरत, हौसले बुलंद रखती है औरत। अब मैं अपनी अगली रचना पेश करना औरत चाहूंगी। बहुत प्यारी सी रचना आपकी, औरत पर यकीनन सजीव चित्रण आपकी रचना में। हर धन्यवाद विनय असंभव जी को आपका। संभव कर सकती है औरत हाँ जी, जी। अब मैं एक फिर प्यारी सी कविता लेकर आई हूँ। जी स्वागत। जैसे अब तो कम होता है, ये पहले जमाने में लड़के वाले लड़की को देखने जाते थे घरों में, उसके ऊपर है मेरे शीर्षक का नाम है पहला स्पर्श। उस समय क्या हाल होता है लड़की का, और उसके ऊपर है एक रचना, पहला स्पर्श। बहुत ही जी सीधे और स्वागत सादे शब्दों में है, प्लीज शायद पसंद आए आपको। जी, बिल्कुल स्वागत है। आज भी याद है वो पल, धन्यवाद। आज भी याद है वो पल जब मिली थी नजरें हमारी, आज भी याद है वो पल जब मिली थी नजरें हमारी, पहली बार जब आए थे तुम हमारे घर मुझे देखने। पहली बार जब आए थे तुम हमारे घर मुझे देखने, खड़ी थी छुपके मैं दरवाजे के पीछे तुम्हारी एक झलक देखने को। खड़ी थी छुपके मैं दरवाजे के पीछे तुम्हारी एक झलक देखने को। अचानक जो नजर पड़ी तुम्हारी मुझ पर, अचानक जो नजर पड़ी तुम्हारी मुझ पर, जोर से बढ़ गई धड़कन दिल की, थमने लगी सांसें मेरी, चाहकर भी पलके ना उठा पाई तुम्हें देखने को, चाहकर भी पलके ना उठा पाई तुम्हें देखने को।
जब चाय लिए आई कमरे में, जब चाय लिए आई कमरे में, बैठे थे सब ना उठा पाई नजरें। जब चाय लिए आई कमरे में, बैठे थे सब ना उठा पाई नजरें। जब पकड़ाया चाय का प्याला, जब पकड़ाया चाय का प्याला, तब छू गई उंगलियां तुम्हारी मुझे। जब पकड़ाया चाय का प्याला, तब छू गई उंगलियां तुम्हारी मुझे। सिरहन सी होने लगी, सिरहन सी होने लगी वो तुम्हारा पहला स्पर्श। सिरहन सी होने लगी वो तुम्हारा पहला स्पर्श। दोनों ने धड़कते दिल, दोनों को धड़कते दिल उसका एहसास आज भी बसा है। दोनों के धड़कते दिल उसका एहसास आज भी बसा है रोम रोम में मेरे। आज भी याद है वो तुम्हारा पहला स्पर्श, आज भी याद है वो तुम्हारा पहला स्पर्श। क्या बात, आपकी इस रचना को मुझे लगता है बहुत सी महिलाओं ने अपना अनुभव महसूस किया होगा। हाँ जी बिल्कुल सही कहा। और ये रचना मेरी अपनी ही है, मेरे पर बीती हुई। ये जी, वो सच्ची आपके रचना चेहरे के भावों से मैं समझ रही थी कि आप पहुंच गई हैं अपने अतीत में। है। जी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अब मैं अपनी अगली रचना पेश करने जा रही हूं, जी आईना। स्वागत स्वागत। आईना है हम हर वक्त, अपना दिन में कितनी बारी अपने बाल संवारते हैं, आईने को देखते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि आईना हमारे लिए क्या सोचता है। कभी हमने इस चीज बारे में सोचा ही नहीं कि आईना भी हमारे लिए कुछ सोच सकता है, उसकी भी अपनी। खैर, मेरा शीर्षक है मेरा आईना। जी पूछता है मेरा आईना, पूछता है मेरा आईना, क्या ये तुम ही हो? पूछता है मेरा आईना, क्या ये तुम ही हो? पहचानने की कोशिश करता हूं तुम्हें। पूछता है मेरा आईना, क्या ये तुम ही हो? पहचानने की कोशिश करता हूं तुम्हें। बहुत अनजानी सी लगती हो, बहुत अनजानी सी लगती हो तुम। रोज देखा करता हूं, रोज देखा करता हूं, लेकिन कुछ बदली बदली सी लगती हो तुम। रोज देखा करता हूं, लेकिन कुछ बदली बदली सी लगती हो तुम। ना मुझे देख अब सजती संवरती हो तुम, ना मुझे देख अब सजती संवरती हो तुम। क्या अब तुम्हारा मन नहीं करता, क्या अब तुम्हारा मन नहीं करता अपने को मुझ में देखो तुम? क्या तुम्हें पता मेरा अनुभव क्या कहता है? तुम्हें क्या पता मेरा अनुभव क्या कहता है? याद है आज भी वो दिन जब बार बार आकर तुम निहारती थी मुझे देख। याद है आज भी वो दिन जब बार बार आकर तुम निहारती थी मुझे देख। लगाती थी बिंदी तो कभी सवारती थी बाल मुझे देख तुम। लगाती थी बिंदी तो कभी सवारती थी बाल मुझे देख तुम। ना चुराओ तुम नजरे मुझसे, ना चुराओ तुम नजरे मुझसे, सवारो अपनी लहराती लटों को, सवारो अपनी लहराती लटों को जिनमें हिना का रंग है। ना चुराओ तुम नजरे मुझसे, सवारो अपनी लहराती लटों को जिनमें हिना का रंग है। लगाओ अपनी चोटी में फूलों का गजरा तुम, लगाओ अपनी चोटी में फूलों का गजरा तुम। अब तुम्हें क्या हो गया, अब तुम्हें क्या हो गया, छोड़ो अपनी नीरवता को। अब तुम्हें क्या हो गया, छोड़ो अपनी नीरवता को। उठो उठो एक नए सवेरे की आस में तुम। आओ पहले की तरह निहारो अपने को मुझ में मुस्कुराकर तुम। आओ पहले की तरह निहारो अपने को मुझ में मुस्कुराकर तुम। क्या बात, बहुत बहुत प्यारी सी रचना आपकी, यकीनन वही सरल शब्दावली एकदम। और सुधा सुधा सरना जी कह रही है बहुत प्यारी रचना, अर्चना झा जी कह रही है वाह क्या बात है, और दोनों को निवारण सिंह जी धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीया जी, और आपको प्रणाम कर रहे हैं। हाँ, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करिए, सुधा जी और अर्चना जी, और एक नाम आपने और लिया था उनको, आदरणीय को मैं नमस्कार करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ आप सभी को।
जी, अब मेरी अगला आपके पास रचना है 5 मिनट शेष और हैं। आज के स्लॉट में 45 मिनट का पांच। आपका समय था, 5 मिनट अभी हाँ बचे जी, हैं आदरणीय। हाँ और जी, जी तो मैं अपनी एक अगली रचना पेश कर रही हूँ, टूटते जी रिश्ते। टूटते रिश्ते, जी स्वागत। आजकल बढ़ रही हैं दूरियां, आजकल बढ़ रही हैं दूरियां उन रिश्तों में जिन रिश्तों को संभालते संभालते उम्र निकल जाती थी। आजकल बढ़ रही हैं दूरियां उन रिश्तों में जिन रिश्तों को संभालते संभालते उम्र निकल जाती थी। अब वो प्यार कहाँ, अब वो प्यार कहाँ, कहाँ वो मान है बड़ों का, मंदिरों में माथा टेकने जाते, घर में माँ बाप को रुलाते। अब वो प्यार कहाँ, कहाँ वो मान है बड़ों का, मंदिरों में माथा टेकने जाते, घर में माँ बाप को रुलाते। कहाँ गया वो भाई भाई का प्यार, कहाँ गया वो भाई भाई का प्यार, बहन और भाई का रिश्ता, राखी पर किया वह वादा, उसका भी कोई मान नहीं। सारी उम्र निकल गई रिश्तों को सवारते सवारते, सारी उम्र निकल गई रिश्तों को सवारते सवारते, अब तो उनकी डोर भी कच्ची है, पल में टूट जाते हैं रिश्ते। अब तो उनकी डोर भी कच्ची है, पल में टूट जाते हैं रिश्ते। पल पल में बदलते रिश्ते, ना कहीं प्यार मिला ना चाहा किसी ने। पल पल में बदलते रिश्ते, ना चाहा किसी ने, सारे रिश्ते झूठे हो गए, सिर्फ मतलब के हैं रिश्ते, सिर्फ मतलब के हैं रिश्ते। सच में बहुत कलयुग का कड़वा सच है ये। सही मैम, आजकल यही है विनय जी, लेकिन वही है कि सब कुछ समाज में रहते हुए सब रिश्तों को निभाना पड़ता और निभाना चाहिए भी। अब मैं एक बिल्कुल और फिर थोड़ी सी प्यारी सी कविता लेकर आई हूँ, जी, जिस अब आपके पास सुबह 3 मिनट बचे हैं, तो बिल्कुल कोई प्यारी सी रचना सहिति कीजिएगा आज के सेशन की। अच्छा, जी मेरी अब क्योंकि सुबह होने वाली है तो उसी पर जी मैं एक है मेरी शीर्षक है चाय की चुस्की। हर व्यक्ति शायद दिन में कुछ पल चाहता है एकांत में बिताना, जो कि वो सिर्फ अपने लिए हो। तो उस पर मैं अपनी रचना पेश कर रही हूँ। सुबह की पहली चाय का प्याला, सुबह की पहली चाय का प्याला ले जा बैठती हूँ बालकोनी में। सुबह की पहली चाय का प्याला ले जा बैठती हूँ बालकोनी में, सुबह की वो प्यारी शीतल पवन में बैठकर साथ में चाय की चुस्की लेना। सूरज का धीरे धीरे उदय होना, सूरज का धीरे धीरे उदय होना, उसकी पहली किरणों को उगते हुए देखना। हरे पत्तों पर शबनम की बूंदों को निहारना, हरे पत्तों पर शबनम की बूंदों को निहारना, साथ में चाय की चुस्की लेना। चिड़ियों का चहचहाना, कोयल का कूकना, चिड़ियों का चहचहाना, कोयल का कूकना, फूलों की खुशबू, आंखें बंद कर मंदिर की घंटियां सुनना। चिड़ियों का चहचहाना, कोयल का कूकना, फूलों की खुशबू, आंखें बंद कर मंदिर की घंटियां सुनना, साथ में चाय की चुस्कियां लेना। खो जाना बचपन की यादों में, खो जाना बचपन की यादों में, वो भाई बहन की लड़ाई वो प्यार से रूठना मनाना, वो भाई बहन की लड़ाई वो प्यार से रूठना मनाना, सखियों संग स्कूल में मस्ती करना, बैठे बैठे खो जाना सुनहरी यादों में, साथ में चाय की चुस्कियां लेना। यही है वो चंद घड़ियां, यही है वो चंद घड़ियां जो मेरी आजाद हैं। कभी कभी सुबह बारिश की बौछारें, कभी कभी सुबह बारिश की बौछारें, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू मुझे बहुत सुहाती है, वो मिट्टी की सौंधी खुशबू मुझे बहुत सुहाती है, साथ में चाय की चुस्कियां लेना, साथ में चाय की चुस्कियां लेना। आपने हम लोग 12 बजे से संचालन कर रहे हैं, मैं और भावना, हाँ और जी, आपकी चाय की चुस्कियों ने हमारे अंदर भी चाय की तलब को जगा दिया। तो चाय पी ली जाए फिर। यकीनन चाय की तलब लगी है, और अब हमें लगता बारी बारी से उठ के चाय को लेकर आना ही पड़ेगा। हाँ ओह, जी क्योंकि विनय जी, अभी हम 6 बजे मैं तक। दो छोटी छोटी कविताएं और सुना सकती हूँ, समय है? जी समय तो हो गया, लेकिन आप सुना दीजिए आदरणीय।
दो छोटी छोटी सी हैं, बिल्कुल एक सुना तो दीजिए। है रुख, एक रुख। सेकंड रमा हाँ जी, जी एक सेकंड। हाँ जी रितेश जी, बिल्कुल दो छोटी छोटी क्षणिकाएं हैं बिल्कुल आदरणीय बिल्कुल, रमा जी के। स्वागत जी है, स्वागत है मैडम, बिल्कुल स्वागत है जी आपका। जी थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुख है मेरी रचना का नाम। जी आज स्वागत। मीठी सी ठंडक है, आज मीठी सी ठंडक है इन हवाओं के रुख में, आज मीठी सी ठंडक है इन हवाओं के रुख में, शायद कमरा खुला है यादों में दोस्तों की, शायद कमरा खुला है यादों की यादों में दोस्तों की। ऐ खुदा तू तो हर जगह मौजूद है, विनती है तुझसे घर में ना भी रहूं, विनती है तुझसे घर में ना भी रहूं कभी, मेरे प्यारे दोस्तों की हिफाजत करना तू। जिक्र जब उनका करता हूं, जिक्र जब उनका करता हूं, झांक कर देखो गर दिल में मेरे, झांक कर देखो गर दिल में मेरे, अब भी मामूली नहीं है वो, जान बसती है उनमें मेरी, जान बसती है उनमें मेरी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। बढ़िया अब एक और प्यारी सी, बिल्कुल छोटी सी रचना है, दिल। जी प्यारा सा छोटा सा दिल है हमारा, उसके ऊपर है। जी धक धक करता है दिल, धक धक करता है दिल, बाहें पसारे उड़ चला आसमां के प्यार, आसमां के पार दिल ही तो है। धक धक करता है दिल, बाहें पसारे उड़ चला आसमां के पार दिल ही तो है। अलहड़ सा दिल जिसमें भरा है प्यार, ना कहीं नफरत ना कहीं शिकवा, बेफिक्र सा दिल ही तो है। बच्चा सा है दिल मचलता है हरदम, बच्चा सा है दिल मचलता है हरदम, नटखट खुश मिजाज सा मासूम सा दिल ही तो है। मानता ही नहीं दिल, मानता ही नहीं दिल, चाहतों से भरा है, फुदकता है चिड़िया सा, कभी इस डाल तो कभी उस डाल, आखिर दिल ही तो है, आखिर दिल ही तो है। ये बहुत बढ़िया, दिल। हाँ ये दिल जरा सा पागल ही तो है। हाँ सही ये दिल जरा सा पागल ही तो है। बहुत कहा आपने। प्यारी कनिकाएं आपने आपकी, और मैं अपने सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ कि इस वक्त तक हमारे साथ बने हैं। आदरणीय राकेश खंडेलवाल जी अमेरिका से जुड़े हुए और निरंतर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, संचालन और प्रस्तुतियां सुचारू रहे। अपना आशीर्वाद रखिएगा आदरणीय। यकीनन आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है और असंभव भी संभव हो जाता है। शुक्रिया बिल्कुल, नमिता मैं आप सभी का नमस्कार करती हूँ और बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देती हूँ सब दर्शकों को और आपको भी, सबको। और इतने ऑड-ऑन समय धन्यवाद, में भी अपनी प्रस्तुतियां देने के लिए आदरणीय रमा जी, हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और